चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए बच्चे, करंट की क्लास है, जल्दी जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए बच्चे, जल्दी से आ जाइए सारे लोग बेटा। ठीक है, और बच्चे फिक्स है कि 9 बजे आपकी करंट की क्लास रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे करंट की क्लास में रहने का प्रयास किया करो। ठीक है, जो भी 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन हमसे तैयार हो पाएगा वो मैं करा दूंगा बेटा। ठीक है, एग्जाम टेकिंग क्वेश्चन होता है, कोई भी फालतू के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए बच्चे, सारे बच्चे आ जाइएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चे, और 9 बजे आप लोग पहले से ही बेटा पता रहता है कि क्लासेस आएंगे, फिर ये दोबारा पता नहीं क्लासेस मिले कि ना मिले, ये बात याद करो, जल्दी से आ जाओ बच्चे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करो, और बच्चे पहला क्वेश्चन देखो, सारे बच्चे देखो बेटा, ध्यान से पढ़ो, और इसमें से कम 10-12-15 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसमें बता भी रखी है। चलिए, लिखा है देश में महात्मा गांधी को उनकी, बच्चे देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 191वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की बेटा। ठीक है, यानी कि इस बार बच्चे महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 191, ए तो क्वेश्चन आपका हो गया, 151वीं जयंती मनाई गई। और बच्चे अफ्रीका ये गए थे, और ये 21 साल से ज़्यादा दिन तक ये अफ्रीका में रहे बेटा, और अफ्रीका से ये लौटे, तो भारत जब लौटे बेटा, तो वह सन कौन सा था, 1912, 1915, 1904, 1917 और 1910 बच्चे, 5 ऑप्शन है इसमें बच्चे, और 5 में से आपको एक बताना है। ठीक है बच्चे, कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बच्चे कितने वर्ष के बाद कहां से लौटे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा बच्चे, महात्मा गांधी, इनका कोई बच्चा पूरा नाम बताएगा, मोहनदास करमचंद गांधी बेटा। ठीक है, इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का। अगर हम इनके जन्म की बात करें सर, अगर हम इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म आपको पता है 2 अक्टूबर और 1869 को हुआ था बेटा। ठीक है, और इनका जन्म आपको भी पता है बच्चे, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, और गुजरात में एक पोरबंदर बच्चे था, क्या नाम था, पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था बेटा। ठीक है, इनके जीवन संगनी का नाम कस्तूरबा था, क्या नाम था बेटा, कस्तूरबा, और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, क्या नाम था बेटा, पुतलीबाई। तो इनका बच्चे जन्म तो हो गया, इनका बर्थडे हो गया 2 अक्टूबर, और आपको पता है ना सर, प्रत्येक 2 अक्टूबर को ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के पुजारी थे बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये सारे बच्चों को पता होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपने इनका जन्म तो जान लिया गुजरात राज्य में पोरबंदर नामक स्थान पर, ये एडवोकेट थे बच्चे, वैलिस्टर थे, यानी कि वकील थे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये होगा कि इनकी बच्चे आपको पता है मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु के साथ साथ बच्चे इनकी हत्या हुई थी, आप सारे बच्चे जानते हो, और हत्या हुआ था इनका बेटा 30 जनवरी को, कितने जनवरी को बच्चे, 30 जनवरी को इनकी हत्या हुई, और 30 जनवरी और 1948 में हुआ, और इनको हत्या इनकी की थी बच्चे नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने बच्चे इनकी हत्या की थी, 2500 से अधिक कारण बताया था नाथूराम गोडसे ने इनको मारने के। लेकिन बच्चे हमें यह मतलब है तो याद रखो, इस दिन भी एक दिवस मनाया जाता है शहीद दिवस बच्चे, और भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है यह बच्चे 30 जनवरी, क्लियर हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या निकला कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कितने अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, किसकी जयंती पर, महात्मा गांधी की, इस बार महात्मा गांधी की कौथी जयंती मनाई गई, 191वां जयंती मनाया गया। ठीक है बेटा, और आपको पता है इनकी हत्या किया था नाथूराम गोडसे ने, कितने जनवरी को, 30 जनवरी को, और 30 जनवरी से ही बच्चे हम कौन सा दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, कौन सा दिवस बेटा, शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हो गए सर आप लोगों के। ठीक है, मिटा दें इसे। चलिए अब अगला बच्चे, 2 दिवस भी यहां से तैयार कर लिया, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कर लिया बच्चे। अब आपको पता है सर, 1893 में ये बच्चे साउथ अफ्रीका गए,
और साउथ अफ्रीका में बच्चे चल रहा था रंग भेद, यानी वहां पर भी अंग्रेजों का शासन था बेटा, ठीक है। और इन्होंने बच्चे अफ्रीका से ही सत्याग्रह करना शुरू किया था। बच्चे सत्याग्रह का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे क्या करना, किसी चीज का तब तक विरोध करना बच्चे करते रहना जब तक सामने वाला मांग पूरी ना कर दे बेटा, इसी को हम सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चे देखिएगा, ये बच्चे लगभग 22 वर्ष के बाद बेटा ये 9 जनवरी, कितने जनवरी बच्चे, 9 जनवरी और 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को ये बच्चे दक्षिणी अफ्रीका से कहां लौटे, भारत लौटे। और उस समय दुनिया में चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध बेटा। कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था, तो आप बोलोगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी लगभग 21 वर्ष से अधिक समय तक बेटा, 45 वर्ष के हो चुके थे गांधी जी, यानी कि बच्चे 24 वर्ष की अवस्था में अफ्रीका गए और 45 वर्ष की अवस्था में लगभग वो कहां पहुंचे, भारत पहुंचे। अब ये जो 9 जनवरी है सर, इसी 9 जनवरी को ही बच्चे 2003 से इसी जनवरी को बच्चे आप्रवासी दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। बच्चे कौन सा दिवस बेटा, तो आप बोलोगे सर आप्रवासी दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ कितने जनवरी को, तो 9 जनवरी को। अब तक हमने 3 दिवस पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, शहीद दिवस महात्मा गांधी की हत्या के उपलक्ष्य में बेटा, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने उनके बर्थडे पर, क्योंकि वह हिंसात्मक बच्चे पुजारी थे नहीं अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन। 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ बच्चे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, इनकी जीवन संगनी का नाम कस्तूरबा बाई, और इनके बेटों की संख्या कितनी थी बच्चे, 4 थी। इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन अभी रिसेंट बच्चे एक एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था, तो यहां पर भी कहेंगे अफ्रीका से भी लौटे बेटा। तो इनको बच्चे आपने देखा होगा कि इसी उपलक्ष पर हम एक और दिवस मनाते हैं, 3 बच्चे, 3 दिवस निकल कर आया, प्रवासी दिवस भी हमारा निकल के आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, ठीक है, जब गांधी जी भारत आए बच्चे तो इनके राजनैतिक गुरु कौन थे। अब अगर राजनैतिक गुरु की आप बात करोगे तो गोपाल कृष्ण गोखले, राजनैतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 1915 में ही बच्चे जब ये अफ्रीका से आने लगे थे तो इनको एक उपाधि दिया था अंग्रेजों ने बच्चे, इस उपाधि का नाम था कैसरिये हिंद, कैसरिये हिंद। और ये उपाधि इन्होंने छोड़ा था बच्चे, छोड़ा था जलियांवाला हत्याकांड के बाद। जलियांवाला जब हत्याकांड हुआ था बच्चे, तो इन्होंने क्या किया था सर, जलियांवाला हत्याकांड के बाद कैसरिये हिंद की उपाधि इन्होंने छोड़ दिया था बेटा, ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा सर, जलियांवाला बाग के बाद इन्होंने 1920 में बेटा असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन बेटा, असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन इन्होंने सर फरवरी 1922 में स्थगित किया था, क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान बच्चे चौरा चौरी कांड हो गया था। कौन सा कांड बेटा, चौरा चौरी कांड हुआ था बेटा 5 फरवरी और 1922 को हो गया था, ठीक है बेटा। और चौरा चौरी कहाँ है, तो आप बोलोगे सर चौरा चौरी है कहाँ, तो आप बोलोगे गोरखपुर में है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सर, नोट करते रहिएगा, 1915 में उपाधि कैसरिये हिंद की छोड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया, तब इन्होंने बेटा अपनी उपाधि को कैसरिये हिंद उपाधि को छोड़ दिया था। आगे बढ़ा जाए बच्चे, ठीक है, 1917 में बच्चे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह हुआ था बेटा, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। और बच्चे कौन सी खेती, तो आप पता है नील की खेती किसानों को करना पड़ता था बच्चे जबरदस्ती, और यही चंपारण में बेटा तिनकठिया प्रथा लागू थी। कौन सी प्रथा बेटा, तिनकठिया प्रथा में था कि किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या था, आवश्यक था बेटा, सफल हुआ। और यहाँ पर टैक्स में बच्चे यानी कर में 25% की गिरावट दर्ज की गई, तो गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह हो गया था बच्चे, ठीक है। फिर 1917-18 में ही खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया बच्चे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट करते रहो। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ बेटा, ठीक है,
चलो, तिनकठिया प्रथा कहाँ थी? चंपारण में थी, बिहार में। और ब्रिटिश व्यापारी जबरदस्ती वहां के किसानों से नील की खेती करवाते थे सर। 25% टैक्स गिरा तो फिर ये सफल सत्याग्रह हो गया। फिर देखिए सर, 1924 में ये बच्चे कांग्रेस INC के अध्यक्ष बने और ये अध्यक्षता इन्होंने बेलगांव में किया था। बच्चे कहाँ किया था? बेलगांव में किया। 1924 में एकलौता बच्चे ये अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी बच्चे क्या हुए, पर बच्चे जीते और ये बेलगांव की अध्यक्षता इन्होंने किया 1924 में। 1930 के करीब बच्चे इन्होंने नमक सत्याग्रह किया। 1931 बच्चे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लेने गए? भाग लेने गए बेटा, ठीक है। ये इनके कुछ मेजर पॉइंट्स थे बेटा, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, गांधी इरविन समझौता भी इसके बाद है बेटा, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखना बच्चे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन होगा सर, इनको महात्मा कैसरी इंद तो अंग्रेजों ने दिया था सर, महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा तो तीन लोगों ने कहा था, लेकिन फेमस हुआ बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था बच्चे? तो राष्ट्रपिता बच्चे 1944 के करीब रंगून से, ठीक है बेटा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जो उन्होंने बच्चे हिंद फौज बनाई थी ना सर, उन्हीं सैनिकों को आशीर्वाद देने के लिए रेडियो पर उन्होंने जब गांधी जी से बात की थी तो राष्ट्रपिता से बच्चे संबोधन किया था और अपने सैनिकों के लिए बच्चे आशीर्वाद की मांग की थी बेटा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस बेटा, अब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अब ये जो नेताजी है बच्चे, नेताजी इनको किसने कहा? तो जर्मन का शासक बेटा एडोल्फ हिटलर। जर्मन का शासक कौन था बेटा? एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? नेताजी कहा था। और इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। और महात्मा गांधी बच्चे कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने कहा था? और बच्चे कैसर ये हिंद की उपाधि दिया था किसने? तो आप बोलोगे अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। इतने पॉइंट्स बताओ, समझ में आए जल्दी से? चाय ठंडी हो गई बच्चे, कुछ और क्वेश्चन इनके देख लो बच्चे। कुछ इनकी बच्चे चर्चित पत्रिकाएं हैं, अगर हम इनमें चर्चित पत्रिकाओं में देखेंगे तो हरजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है बच्चे। चर्चित बुक भी है इनकी एक दो बेटा, चर्चित बुक में इन्होंने बच्चे हिंद स्वराज, सत्य का प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी बेटा, और गीता माता या गीता पदार्थ, ये इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें थी बेटा, ये इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें थी। कुछ चर्चित पुस्तकें थी तो आपका बच्चे पता चल गया, 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी भारत लौटे, इनकी पत्रिकाएं थी बेटा हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन बेटा, चर्चित पुस्तक में हिंद स्वराज जो कई बार एग्जाम में आई है, सत्य का प्रयोग आत्मकथा थी, और गीता पदार्थ या गीता माता बेटा। कैसर ये हिंद की उपाधि 1915 अंग्रेजों ने, राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा, नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था बेटा, ICS अधिकारी थे बेटा, ठीक है, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। चलो इतने क्वेश्चन बच्चे, हाँ एक क्वेश्चन और कर लेना जो इनका और आया था। अगर इनके बेटों की संख्या किया जाए ना बच्चे, चार बेटे थे इनके, रामदास, देवदास,
मणिलाल, और एक बेटे का इनके नाम था बच्चे हरिलाल। कस्तूरबा गांधी, इसमें से एक क्वेश्चन आया था बच्चे, चार नाम दिया था और चार नाम में कहा गया था कि इसमें से बच्चे कौन महात्मा गांधी के बेटे थे बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल यही नाम से क्वेश्चन था बच्चे, देख लीजिएगा, ध्यान नहीं है उतना, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो ये बच्चे महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन अगर चाहोगे तो आपके तैयार हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों में किसने मुंबई मेट्रो रेल सेकंड परियोजना के लिए 241 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है बच्चे, यानी इनमें कौन सा बैंक ऐसा है बच्चे जिसने मुंबई में मेट्रो रेल परियोजना सेकंड के लिए बेटा 241 मिलियन डॉलर को क्या दिया है बच्चे, लोन के रूप में भारत को दिया है, ठीक है। जल्दी से बचाइए बेटा, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और नन ऑफ दीज बच्चे। ठीक है, चलो वैसे सबसे पहली मेट्रो बच्चे आपको पता है ना कलकत्ता की है, ठीक है बेटा। चल मेट्रो बच्चे जो परियोजना में चल रही उसके सेकंड फेज के लिए बेटा 241 मिलियन बच्चे, 241 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है बच्चे, लोन दिया है, और इस लोन देने वाले व्यक्ति का नाम है बेटा एनडीबी। क्या नाम है बेटा? एनडीबी नाम है बच्चे। अब एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बच्चे, इसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानता है बच्चे, ये चलता है एनडीबी बेटा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नहीं दिया है बच्चे, ठीक है, किसने दिया है? एनडीबी ने दिया है बच्चे, एनडीबी ने दिया है, ठीक है। चलो हम एनडीबी के बारे में बात करते हैं बच्चे, फिर ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। आपका क्वेश्चन बच्चे ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर हम एनडीबी की बात करें बच्चे, तो इसकी जो स्थापना है वो है बच्चे 15 जुलाई 2014, और इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया बच्चे 2015 से, सीख है बेटा। अब अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें बच्चे, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई है बेटा। हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, और शंघाई सारे बच्चों को पता है चीन में है बेटा, ठीक है। शंघाई कहाँ है? चीन में है सर। अब यहाँ पर इस बैंक का एक रूल बनाया गया बेटा, जो इसके बच्चे देश है ना ब्रिक्स, प्रत्येक देशों को बच्चे इसकी अध्यक्षता दी जाएगी। तो जो इसका पहला अध्यक्ष हुआ था बेटा, पहला अध्यक्ष जो हुआ था, पहली अध्यक्षता जिसने लिया था सर, पहला अध्यक्ष हुआ था भारत। कौन हुआ था बच्चे? और भारत के बच्चे थे केवी कामत। क्या नाम था बेटा? केवी कामत बच्चे एनडीबी के पहले बच्चे अध्यक्ष थे, और इनका जो कार्यकाल था ना सर, ये कार्यकाल कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। जो भी इसका अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्षता लेगा जो भी देश बेटा, उस देश के जो कार्यकाल होगा, उस अध्यक्ष का जो चेयरमैनशिप होगा वो 5 वर्ष होगा। तो जुलाई 2020 तक बेटा, जुलाई 2015 से लेकर बच्चे इसके अध्यक्ष थे केवी कामत। कौन था बेटा? केवी कामत थे। अब बच्चे क्या हुआ, अब इसका कार्यकाल चेंज होगा बेटा। इस बार अध्यक्षता मिल गई ब्राजील को,
तो इस बार ब्राजील का कोई ना कोई क्या होगा बच्चे, अध्यक्ष होगा। कितने वर्ष के लिए होगा? तो आप बोलोगे 5 वर्ष के लिए होगा बेटा, ठीक है। तो मैक्रॉस पार्डो है बच्चे इसके नए अध्यक्ष, मैक्रॉस पार्डो, मैक्रॉस पार्डो बच्चे इसके नए अध्यक्ष बने हैं बेटा, मैक्रॉस पार्डो। टोर्जियो करके हैं कुछ बच्चे, ठीक है। ये दूसरे अध्यक्ष हैं बच्चे, और इन्होंने स्थान लिया है केबी कामत का। केबी कामत कहाँ के थे? भारत के थे बेटा। और पहले एनडीबी अध्यक्ष का भी नाम केबी कामत था, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। अब इनका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होगा सर? 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा बच्चे, ठीक है। इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है बच्चे। कौन सा बैंक? ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। इतना नोट हो गया होगा। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई है बेटा। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कोटेदार है बेटा चाइना, ठीक है। बताता हूं अभी बेटा, पहली अध्यक्षता भारत को मिली थी। अब ये ब्रिक्स के बारे में देखो बच्चे, पहले इसका नाम ब्रिक था, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। और ये बना बच्चे 2009 में। 2010 में ही घोषणा किया गया कि एक नया इसमें मेंबर होगा जिसका नाम साउथ अफ्रीका होगा बेटा। क्या नाम होगा? साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया बेटा। क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स समूह में देशों की संख्या 5 बेटा। कितनी है? 5। और ये दुनिया के टॉप 5 बच्चे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले और सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश थे बेटा, ठीक है। जिसमें बच्चे रूस जो है वो इकलौता विकसित है, बाकी सारे के सारे क्या है? विकासशील देश थे इसमें बेटा। तो अफ्रीका शामिल हुआ 2010 में। जब 2009 में ब्रिक्स समूह बना था तो आपको भी पता था इसमें सर मात्र 4 देश थे। कितने थे बेटा? 4। कब बना था? 2009 में बना था, ठीक है बेटा, 2009 में बना था। फिर उसके बाद बच्चे पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, पहला जो बच्चे क्या हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ये 2009 में हुआ था। और ये 2009 में कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था बेटा। और भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह बच्चे, ठीक है। यानी पहला ब्रिक्स सम्मेलन जब हुआ 2009 में रूस में हुआ, तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? तो आप बोलोगे सर मनमोहन सिंह ने भाग लिया था 2009 में, ठीक है सर। दूसरा जो इसका सम्मेलन हुआ था 2010 में ब्राजील में हुआ था बच्चे, कहाँ हुआ था? ब्राजील में। तो हमें पहले से मतलब था। और रीसेंट जो 2019 में हुआ था बेटा, वो 11वां हुआ था, 11वां 2019 में हुआ था, नवंबर में हुआ था। क्लियर हो जाएगा? 2019 में हुआ था, नवंबर में हुआ था। और ये बच्चे हुआ था ब्राजील में। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। अब 2019 में हुआ था, आप बताओ बच्चे पीएम कौन था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था बच्चे? मोदी जी ने भाग लिया था। और 2020 का जो बच्चे 19 का थीम बनाया गया था, जो थीम था बेटा, थीम लिख लीजिएगा बच्चे, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ये 2019 ब्रिक्स की थीम थी। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगार पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
आमिर खान, सौरभ गांगुली, आयुष्मान खुराना, ऋषभ पंत की बोथ ए एंड बी? ठीक है, तो बंगाल पियरलेस बच्चे, बंगाल टाइगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप बोलोगे सौरभ गांगुली जाने जाते हैं बच्चे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ गांगुली हो जाएगा बच्चे। कौन हो जाएगा? सौरभ गांगुली। अब यहां पर आमिर खान भी है बेटा, अब आमिर खान बच्चे वीवो मोबाइल के हैं और वेदांतु के हैं बच्चे, ठीक है। और यहां पर क्या है? आयुष्मान खुराना है बेटा, आयुष्मान खुराना है बच्चे, ठीक है। अगर हम आयुष्मान खुराना की बात करें बच्चे, तो एक फोन आता है, आप लोगों ने देखा होगा, रियलमी, रियलमी जो फोन है, स्मार्टफोन है, इसके बच्चे ये आपके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है बेटा। और बालाजी का स्नैक्स जो आता है बच्चे, उसके हैं, बालाजी का जो स्नैक्स आता है उसके बच्चे ये आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, स्नैक्स हैं बेटा। और कौन है? ऋषभ पंत है बेटा। अभी आप लोगों ने ऋषभ पंत जी को देखा होगा बच्चे, ये नए नए उभरते हुए भारत के खिलाड़ी थे और ये बच्चे JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सरिया, सरिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ऋषभ पंत JSW स्टील के हैं बेटा, आयुष्मान खुराना रियलमी के हैं, बालाजी का जो स्नैक्स आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट के हैं बेटा, आमिर खान वीवो मोबाइल के हैं, या वेदांतु के भी हैं बेटा, सौरभ गांगुली अभी बंगाल, बंगाल बच्चे पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है सर। और बच्चे अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा जरा, MRF का प्रचार सचिन तेंदुलकर करते हैं बच्चे, धोनी जी का देख लीजिएगा, बहुत फेमस है बेटा पेप्सिको, रिबॉक, TVS मोटर, एक्साइड, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस कम्युनिकेशन। ड्रीम इलेवन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा इनके। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस बैंक ने गुरु इंड गुरु का अनावरण किया जो अपने कर्मचारियों के लिए बच्चे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा बच्चे, ठीक है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो क्षमता निर्माण के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी सक्षम समाधान प्रदान करना बेटा, कौन से बैंक ने यह प्रोग्राम शुरू किया है? गुरु इंड का मतलब इंडिया होता है बेटा, ठीक है, ई लर्निंग बच्चे। ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए सर, ठीक है। तो चलो सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, इंडियन बैंक। कौन से बैंक ने बेटा? इंडियन बैंक। 1907 में इसकी स्थापना होती है बच्चे, 15 अगस्त 1907 को। इसका जो मुख्यालय है बच्चे चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है बेटा, अध्यक्ष है बेटा पद्माजा खतरनाक नाम है इनका बेटा, पद्माजा चुंदरू, ठीक है सर।
और इसी ने ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया बच्चे गुरु नामक एक ई लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है बेटा, ठीक है। तो इंडियन बैंक हो गया बच्चे, ये कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन SBI भी है बच्चे, उसको भी देख लो जरा। भारत देश में अंग्रेजों के जमाने में बेटा 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए थे, कितने बेटा, 3 प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक जो 1806 में खुला था, ये कलकत्ता में, 1840 में जो प्रेसिडेंसी बैंक खुला था वो बंबई में, 1843 में जो प्रेसिडेंसी बैंक खुला था वो मद्रास में। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके एक कर दिया गया 1921 में, इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बेटा। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में, और इसका नया नाम रखा गया 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चे बंबई के अंदर है। नोट कर लीजिए बच्चे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक ही है बेटा जिसका नाम अभी वर्तमान में SBI है सर, ठीक है। रजनीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी आपने देखा होगा कि मन की बात हुई थी बच्चे, और मन की बात पे पूरा देश में बवाला उठ गया था बच्चे, खिलौने बेचने को लेकर, है ना। तो जो 20 अगस्त बच्चे 2020 को मोदी साहब ने मन की बात की थी बच्चे, उसमें खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी बच्चे, ठीक है। तो चलो बच्चे बात कर लेते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चे कि ये कौन से राज्य में है, सावंतवाड़ी मंडल किस राज्य में है बेटा, जो हाल ही में भारतीय डाक टिकट पोस्ट ने पोस्ट जारी किया गया है बच्चे। भारत का सबसे बड़ा खिलौना बाजार है सावंतवाड़ी बेटा, जहां पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा फेमस होता है बच्चे लकड़ी के खिलौने, ठीक है। चलो आप लोगों ने खेला होगा बच्चे खड़खड़िया उड़खड़िया लेकर, है ना, सुग्गे पैरट वगैरह लेकर, ठीक है। चलो सबसे पहले तो बच्चे खिलौने की बात किया जाए, ठीक है। खिलौना बच्चे 30 अगस्त 2020 को बच्चे भारतीय पीएम ने मन की बात की, और मन की बात में उन्होंने कहा कि आप युवा भर खिलौना बेचो, इसलिए बच्चे आत्मनिर्भर बन जाओ, खिलौना बेचकर आत्मनिर्भर बन जाओ, पकौड़ा बेचकर आत्मनिर्भर बन जाओ, चाय बेचकर आत्मनिर्भर बन जाओ। चाय के लिए तो एक योजना भी बच्चे चलाई है, आपको मैंने बताया था ना दिल्ली में इनके बर्थडे पर 6 साइकिलें बेटा करवा दिया था, 18,000 की साइकिलें थी, और बच्चे किसके
सम्मानित तरीके से गरिमा के साथ चाय बेचो योजना चलाई थी। तो वही इतना सोच सकते हैं सर। अब इन्होंने सर मन की बात में इन्होंने खिलौना की बात की थी बच्चे कि खिलौना बनाओ और वैश्विक स्तर पर, बेटा कौन से स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब ये जो खिलौना है सर, ये लकड़ी का खिलौना बनाया जाता है। आपको पता है ना सर, ये लकड़ी का खिलौना सबसे अच्छा फेमस है महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी में। महाराष्ट्र के कहां? सावंतवाड़ी में बेटा, ठीक है। तो रिजल्ट क्लियर हो गया कि ये कौन से राज्य का है, तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र का है बेटा, और सिंधुदुर्ग जिले में है बेटा, सिंधुदुर्ग जिले में है बच्चे, ठीक है, जिले में है। और इसी यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा लकड़ी का खिलौना बनाया जाता है, और इसी के उपलक्ष में बच्चे 151 वर्ष पूरा हो गया है, और इसीलिए बच्चे एक पोस्ट कार्ड जारी किया गया है। क्या जारी किया गया? एक पोस्ट कार्ड जारी किया गया। इस पोस्ट कार्ड पर बच्चे लकड़ी के खिलौने को दर्शाया गया है। एक पोस्ट कार्ड जारी हुआ है जिस पर लकड़ी के खिलौने का चित्र बनाया गया है बच्चे। और यहां पर जो बेटा लकड़ी का खिलौना बयार करता है ना सर, जो यहां पर है सावंतवाड़ी में है, ये चित्तारी समुदाय के लोग हैं। कौन से समुदाय के बेटा? चित्तारी समुदाय के लोग हैं। यही बच्चे सावंतवाड़ी में, जो सिंधुदुर्ग जिला का एक मंडल है, वहीं पर बच्चे महाराष्ट्र में लकड़ी के खिलौने हैं। ये भारत देश में लकड़ी के खिलौने का सबसे बड़ा बाजार है बेटा। और ये लकड़ी के खिलौने की बात मन की बात में की थी 30 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बेटा, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, सिंधुदुर्ग जिला हो जाएगा, सावंतवाड़ी हो जाएगा, लकड़ी का खिलौना है बच्चे, ठीक है। और इसी मन की बात में बेटा, ठीक है, ये लिख लिया होगा, वैश्विक स्तर पर अपने खिलौनों को बढ़ावा देना। और इसी बच्चे मन की बात में उन्होंने कहा था कि खिलौने का एक म्यूजियम बनाया जाएगा बच्चे, एक म्यूजियम स्थापित होगा। और ये म्यूजियम कहां होगा? गुजरात में। रेलवे की वैकेंसी नहीं करवा रहे हैं बच्चे, म्यूजियम खुलवा रहे हैं ताकि हम लोग जाएं, लकड़ी के खिलौने देखें, है ना, टैडी देखें बेटा बैठकर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के बारे में लिख लो। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई है सर, ठीक है बच्चे। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बंबई है बेटा, ठीक है। और बच्चे यहां पर प्लेटिन नामक एक प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट प्लेटिन कहां चलाया गया? एमएच में चलाया गया, यानी महाराष्ट्र में चलाया गया। अगला क्वेश्चन ये होगा बेटा कि यहीं पर माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी करंट में कराया था आप लोगों को, कोरोना की जांच टीम आपके घरों में जाएगी और अवेयरनेस फैलाएगी बेटा, ठीक है। और यहीं पर एक प्रोग्राम और चलाया गया है बच्चे जिसका नाम है शिव भोजन थाली योजना। शिव भोजन थाली योजना बेटा यहां पर चलाया गया है। इसे वित्तीय राजधानी भी कहते हैं बंबई को बेटा। यहीं पर भोर घाट है, दो दर्रा भी है सर, भोर घाट है प्लस थाल घाट है, और ग्वालिया टैंक मैदान है, सारे बच्चों को पता है, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय है, सेबी का मुख्यालय है बच्चे, ठीक है, एसबीआई का मुख्यालय है। तो पोस्ट कार्ड जारी किया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आरबीआई ने किस सेलिब्रिटी को ग्राहक जागरूकता अभियान से जोड़ा बेटा? ग्राहक जागरूकता अभियान से जोड़ा बेटा, यानी कि सुरक्षित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बच्चे, सुरक्षित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए।
किसे बच्चे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अमिताभ बच्चन को बनाया है। किसने बनाया है बेटा? आरबीआई ने बनाया है। किसने बनाया है? आरबीआई ने, ताकि बच्चे सुरक्षित लेन देन को बढ़ावा सके और धोखाधड़ी को बेटा कम किया जा सके, धोखाधड़ी को कम किया जा सके। अब आरबीआई को देखो सर, अगर इसके एक्ट की बात करोगे तो ये एक्ट बनाया गया 1934 में बच्चे। अगर कमीशन की बात करोगे तो यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन समिति के किस पर बेटा? सिफारिश पर यह बना था। कितने अप्रैल? 1 अप्रैल 1935 पहला गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ। पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान 25वें शक्तिकांत दास। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 ऑसबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, शक्तिकांत दास 25वें हैं बेटा, ठीक है। पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ बेटा, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख बच्चे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखो सर। बैंकों का बैंक है केंद्रीय बैंक है भारत सरकार का बैंक है, अंतिम ऋणदाता वाला बैंक है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, ₹2 से लेकर 2000 तक करेंसी जारी करता है, ₹1 प्लस सारे सिक्के, वित्त मंत्रालय जारी करता है, यानी भारत सरकार जारी करता है। और ₹1 की नोट पर जो साइन होती है बेटा वो वित्त सचिव की होती है। किसकी होती है? वित्त सचिव की होती है, वित्त सचिव की होती है बेटा, ठीक है। और ₹2 से लेकर 2000 तक की साइन पर बेटा आरबीआई गवर्नर की होती है, और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है बेटा? शक्तिकांत दास है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो यहां अमिताभ बच्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, CNES किस देश की अंतरिक्ष यानी स्पेस एजेंसी है बेटा, जिसके साथ इसरो ने आगामी वीनस मिशन या शुक्रयान के लिए हाल ही में समझौता किया है बेटा? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस।
ये बच्चे फ्रांस की है और इन दोनों ने मिलकर बच्चे क्या किया है, समझौता किया है कि बच्चे 2025 तक हम कौन सा बच्चे ग्रह पर जाएगा, वीनस। वीनस का मतलब बेटा शुक्र ग्रह पर जाएंगे और अपना यान भेजेंगे। कौन सा यान बेटा, शुक्र ग्रह पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा बेटा, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो के सिवान हैं। कौन है बेटा, के सिवान साहब हैं बच्चे, इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान है बेटा, ठीक है। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु है बेटा। इसरो का मुख्यालय क्या है, 15 अगस्त 1956 के करीब बच्चे इसरो की स्थापना हुई थी बेटा, ठीक है। श्री बच्चे जितना भी स्पेस एजेंसी का काम होता है वो सारा का सारा बच्चे, चंद्रयान देखा होगा अभी आप लोगों ने बेटा, इनका क्या हुआ था, गया हुआ था, ठीक है। और के सिवान साहब जो है बच्चे, के सिवान साहब जो है, अभी इनको वान कर्मन पुरस्कार दिया गया था, नोट कर लीजिएगा बच्चे, वान कर्मन पुरस्कार। वान कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया था, विज्ञान के क्षेत्र में, के सिवान साहब को। तो फ्रांस और भारत ने मिलकर समझौता किया है कि हम लोग 2025 तक बच्चे शुक्रयान को कहाँ भेजेंगे, शुक्र ग्रह पर भेजेंगे। शुक्र ग्रह पर अब तक बेटा यूएसए पहुंच चुका है, रूस पहुंच चुका है बेटा, जापान पहुंच चुका है और यूरोपियन एजेंसी पहुंच चुकी है बच्चे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी पहुंच चुकी है बच्चे। और अगला हो सकता है बच्चे भारत देश हो जाए। कौन हो जाए बेटा, भारत देश होगा शुक्र पर पहुंचने वाला। अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपियन बच्चे एजेंसी पहुंची है अब तक बेटा, और भारत और फ्रांस ने संयुक्त बच्चे शुक्रयान को भेजने का निर्णय लिया है बेटा 2025 तक बेटा, ठीक है, 2025 तक, ठीक है सर। चलिए दो तीन क्वेश्चन और देख लीजिएगा। तो ये बच्चे CNES कहाँ की है, तो ये आपको पता चल गया, फ्रांस की स्पेस एजेंसी है बच्चे। अब शुक्र ग्रह की बात करें बेटा, शुक्र का और पृथ्वी का आकार आपको पता है सर, सेम है, इसीलिए बच्चे पृथ्वी की बहन यानी जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध है बेटा शुक्र। शुक्र बच्चे आपको पता है सबसे गर्म तारा, सबसे गर्म ग्रह है, कारण CO2 की प्रधानता है, 96% इस ग्रह पर क्या है, CO2 है बच्चे। इसे बच्चे भोर तारा कहते हैं, सांझ तारा कहते हैं, इवनिंग मून, ठीक है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बेटा कहते हैं। ठीक है, सबसे गर्म है, पार्थिव ग्रह है ये, यानी जो सूर्य के चार पार्थिव ग्रह हैं बेटा, ये आंतरिक ग्रह है सूर्य का, आंतरिक ग्रह है बेटा सूर्य का। और बच्चे शुक्र पर अभी एक हमको गैस मिली है सर, और इस गैस का नाम है बेटा फास्फीन गैस। PH3 फास्फोरस है इसमें, हाइड्रोजन है, इसीलिए बच्चे इस ग्रह पर उम्मीद जगी है कि क्या है, था बच्चे जीवन है।
अगर ये गैस मिलती है बच्चे तो जीवन संभव होता है। इसीलिए सर सारे लोग शुक्र ग्रह पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं क्या वाकई में बच्चे शुक्र पर जीवन था या नहीं था बच्चे। हालांकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही प्रधानता होती है, लेकिन कुछ दिन पहले हमें फास्फीन नामक गैस मिली बेटा जो फास्फोरस और हाइड्रोजन से बनी होती है। इसका फार्मूला देख लेना, मेरे ख्याल PH3 ही होता होगा बेटा, ठीक है। तो ये फास्फोरस गैस मिलने के कारण बच्चे यहाँ पर CO है, ठीक है। पृथ्वी की बहन कही जाती है कौन शुक्र। अब ये थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लो, बस खत्म हो जाएगा सर। यह हमारा बुध ग्रह होता है, शुक्र ग्रह होता है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, सबसे दूर है, ठीक है, सबसे पास है। हालांकि बच्चे जो बुध ग्रह है इसका अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए दिन में जितना गर्म होता है रात में उतना ठंडा। ये जो चार ग्रह हैं इन्हें आर्थिक ग्रह कहते हैं बेटा, और इन्हीं को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। और ये जो चार वाह्य ग्रह हैं बेटा सूर्य भगवान के, इन्हीं को हम जोवियन ग्रह कहते हैं। और ये बीच में जो गैप है बेटा मंगल और बृहस्पति के मध्य में, ये क्षुद्र ग्रह है बेटा, एस्टेरॉइड्स। क्लियर हो जाएगा? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बच्चे। पृथ्वी शुक्र और मंगल की है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? जुड़वा बहन किसे कहा जाता है बच्चे? इसे वीनस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बच्चे? वीनस कहते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे, ये सात क्वेश्चन था ये मैंने आपको करा दिया बच्चे, और बाकी कल बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, सारे बच्चों को गुड नाइट, एक साथ बेटा कल मिलते हैं बच्चे, ठीक है। कल 9 बजे मॉर्निंग में आपकी क्लास चलेगी, पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, सारे बच्चों को गुड नाइट बेटा, बाय बच्चे।